दिता गया जंगनामा सिंह ते फरंगिया के लेखक कौन हैं? भगवान दास, निजाबत, पीलू ज शाह मुहम्मद। पहला हरेक क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड जरूर सोचना है। इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शाह मुहम्मद। जंगनामा सिंह ते फरंगिया के लेखक हैं शाह मुहम्मद, डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नैक्सट हेठ लिखा दे विचों केड़ा मेला पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के नाल संबंधित है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तुहानू पता होना चाहिए, ये पैंदी है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट दे विचों। ठीक है, तो जिहड़ा मेला किसान मेला है, ठीक है, किसान जिहड़ा मेला है तो यह संबंधित है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाल। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इस तो अलावा जेकर आप बाबा सोढल मेला की गल करिए, बाबा सोढल जिहड़ा मेला है ये लगता है जलंधर के। इस पॉइंट में भी ध्यान में रखना है, किसान मेला लगता है लुधियाने के एंड जिहड़ा मांगी का मेला है ये लगता है मुक्तसर के। कितने लगता है? मुक्तसर के। माघी का मेला तुहानू पता होना चाहिए लोहड़ी तो अगले दिन का, यानी कि माघ जो महीना चढ़ता है तो वह जो पहला दिन होंगे तो उस दिन माघी का मेला लगता है श्री मुक्तसर साहब विखे, तीन दिन चलता लगभग तीन दिन। इस तो अलावा जोड़ा किला रायपुर देडा हैं ज मेला हैं तो यह जोड़ा ये भी तीन दिन लगता, किन्ने दिन? तीन दिन चलता है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लुधियाना के आता किला रायपुर का मेला। सो इन सारे ध्यान में रखना है। नैक्सट आप देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, हेठ लिखा दे विचों केड़ी खेड बाबिया की है? अड्डी टप्पा, सौंची, उपरोक्त दोनों ज पिठू। पहला तो तुहानू पता होना चाहिए ये सारिया खेडा हैं तो आंसर बनेगा सौंची। सौंची जिहड़ी खेड है ये बाबिया की खेड है, बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नैक्सट आप देखते हैं फोर नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, माइया लोक गीत पंजाब के किहड़े खेत्र का मशहूर है? दुआबा, माझा, पुआध ज मालवा। इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मालवा। पंजाब का सब तो वड्डा खेत्र जिहदे विच टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट आउंदे हन, तां माइया जिहड़ा लोक गीत है इत्थों दा मशहूर जां प्रसिद्ध मन्निया जांदा है, डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। इस तों अलावा जिहड़ा बाबिआं दा गिद्दा है, ठीक है, बाबिआं दा गिद्दा वैसे डिस्ट्रिक्ट संगरूर दा सब तो प्रसिद्ध मन्निया जांदा, बट जेकर खेत्र पुछ लिया जाए फिर तुसीं आ सर्टिक करके आउणा है मालवा खेत्र। नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, जेकर वीडियो हेल्पफुल लग रही तो प्लीज़ एक बार वीडियो बाद तो बाद शेयर एंड लाइक भी कर दो। ब्याह दे विच जागो नूं कौन चुकदा है? जेठानी, भैन, छोटी मामी जां वड्डी मामी। इस क्वेश्चन में तुसीं कन्फ्यूज़ हो गए तो इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वड्डी मामी। इत्थे ऑप्शन च छोटी मामी आ गया सीगा, बट आपां प्रैफरेंस देनी है वड्डी मामी। ठीक है, ब्याह दे विच जागो नूं कौन चुकदा है? मामी जां वड्डी मामी। इस पॉइंट में तुसीं ध्यान में रखना है, बट जेकर ऐसा कुछ ना लग्या हो छोटी मामी या वड्डी मामी फिर तुसीं आंसर टिक करके आना मामी, क्योंकि ब्याह दे विच जागो नूं मामी चुकदी है, तो इस पॉइंट में तुसीं ध्यान में जरूर रखना है। नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, मिर्जा साहिबा किस दी रचना है? पीलू, कादर यार, फजल शाह या हाफिज बरखरदार। इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाफिज बरखरदार। मिर्जा साहिबा किसकी रचना है? हाफिज बरखरदार की रचना है, तो डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, इसकी फेमस मनी जाती। वैसे पीलू की रचना भी सी, बट तुसी प्रेफरेंस देनी है हाफिज बरखरदार को। नैक्सट आप देख लेंगे लेखक रचनावां। हीर रांझा किसका है? दमोदर का है। ठीक है, वारस शाह का भी है। मिर्जा साहिबा, पीलू और हाफिज बरखरदार, सोनी महिवाल, फजल शाह, सस्सी पन्नू, हाशम शाह, किस्सा पूर्ण भगत, कादर यार ते हीर वारस शाह। वारस शाह नूं पंजाब दा शेक्सपीयर भी कहा जाता है, वारस शाह नूं। सो इस पॉइंट नूं भी तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखना है। नैक्सट आप देख लेंदे आ होटल सिटी ऑफ पंजाब किस नूं कहा जाता है? तो पंजाब का जिहड़ा पवित्र शहर है जिसनों अमृतसर कहा जाता है तो उसनों ही होटल सिटी ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अमृतसर शहर का जिहड़ा नींह पत्थर है 1577 दे विच रखा गया सीगा सिखां दे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी द्वारा। ठीक है, इसनों रामदासपुरा भी कहा जाता है, रामदासपुरा।
पंजाब का पवित्र शहर भी कहा जाता है। एंड एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है सिफ्टी का कारण, सिफ्टी दा कारण एक किस्म कहा जाता है, ये भी अमृतसर शहर में कहा जाता है। नैक्सट आप देखते हैं शहर के उन्होंने उपनाम। हाँ जी, मालवे का दिल बठिंडा, माझे का दिल फगवाड़ा, चीलों का शहर बठिंडा, शहीदा की धरती फिरोजपुर। जेकर ऑप्शन फिरोजपुर ना हो तो आंसर टिक करना श्री मुक्तसर साहब। चिट्टे सोने की भूमि या पंजाब की रोम पट्टी मानसा डिस्ट्रिक्ट नूं कहा जाता है। कैलीफोर्निया ऑफ पंजाब अबोर, पंजाब की स्टील सिटी या लो सिटी मंडी, गोबिंदगढ़ खेड सिटी यानी कि स्पोर्ट सिटी कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट जलंधर नूं। पंजाब की स्पोर्ट्स कैपिटल पूछ ली जाए फिर आंसर टिक करके आना पटियाला। मानचेस्टर ऑफ पंजाब लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। सो ये कुछ उपनेम सन तो इन्होंने तुम्हें ध्यान में रखना है, इन्होंने रिगार्डिंग एक क्वेश्चन एग्जाम के जरूर बनता है। नैक्सट आप देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड किनिया भाषावान दिता जाता है, 17 20 22 या 16। हाँ जी, ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत कई बार पूछ ली जाती कदों हुई सी, तो आंसर टिक करके आना 1961 के। एंड ये टोटल 22 भाषावान को दिता जाता है, सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, 22 लैंग्वेज में दिता जाता है। तुहानू पता होगा अपने संविधान के टोटल 22 भाषावान को मानता मिली हुई है, जिहड़ी भाषावान को मानता मिली हुई तो उन्होंने ही अवार्ड दिता जाता है जिदे विच अपनी पंजाबी भाषा भी मौजूद है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना है एक मिलिया सीगा ज्ञानपीठ अवार्ड अमृता प्रीतम नूं, दूजा व्यक्ति किहड़ा सीगा ये तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में जरूर दसना है। ठीक है, मैं तुम्हें ऑप्शन दे दिना, एक ऑप्शन है नानक सिंह, दूसरी ऑप्शन है गुरदयाल सिंह, तीसरी ऑप्शन है बलवंत गार्गी, तो चौथी ऑप्शन है दिलीप कौर टिवाणा। इन ऑप्शन के मैं आंसर देना है कि इन्हों कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिलया सीगा। नैक्सट आप देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। हाँ जी, अमृता प्रीतम की कि रचना भारत और पाकिस्तान की वंड नाल संबंधित है। आ क्वेश्चन तुम कोई पेपर ठा के दे सकते हो पुराना, तो वो एक बार क्वेश्चन आया सीगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अज आखा वारस शाह। अज आखा वारस शाह अमृता प्रीतम की अजिही रचना जिद भारत और पाकिस्तान की वंड संबंधी गल की गई है। दिल्ली की गलियां भी इन्हों की रचना है, लोक पीड़ भी इन्हों की रचना है, पिंजर भी इन्हों की रचना, एक होर इन्हों की रचना है 49 दिन। ठीक है, 49 डेज ये भी इन्हों की रचना है। इस तो अलावा इन्हों की बायोग्राफी है रसीदी टिकट, रसीदी टिकट क्वेश्चन एग्जाम च बहुत बार बंदा रसीदी टिकट किसकी रचना है, आंसर टिक करके आना अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम को ही पंजाब की आवाज़ के नाम नाल भी जाना जाता है। इस तो अलावा इन्हों की एक होर रचना है कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास। ठीक है, ये भी इन्हों की रचना है। नैक्सट आप देखते हैं, हाँ जी, पंजाब के किहड़े शहर की जुत्ती मशहूर है, लुधियाना अमृतसर पटियाला जां जलंधर, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटियाला। पटियाला जी की स्थापना बाबा आला जी ने की सी, तो इतों की जुत्ती मशहूर मनी जाती है, सी करैक्ट आंसर बन जाएगा। नैक्सट, बाबा बुल्ले शाह का जन्म कदों होया सीगा। ठीक है, बाबा बुल्ले शाह का जिहड़ा जन्म है जन्म होया से 1680 के, बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1680 के। काफिया का पितामा भी बाबा बुल्ले शाह नूं कहा जाता है। इस तों अलावा पंजाबी साहित्य का पितामा कहा जाता है बाबा फरीद नूं, जां पंजाब का जिहड़ा साहित्य है वह शुरू हुंदा है बाबा फरीद जी तो। पंजाबी कविता का पितामा पूछ लिया जाए फिर भी आंसर टिक करके आना है बाबा फरीद। नैक्सट, बाबा बुल्ले शाह की मजार कित्थे है, तो यह है कसूर के, डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, कसूर के बाबा बुल्ले शाह की मजार। नैक्सट, जपजी साहब किहड़े राग दे विच है, जपजी साहब तुहानू पता होगा ये सिखां दे फस्ट गुरु, सिख धर्म के मोढ़ी श्री गुरु नानक देव की रचना है, तो यह किसी भी राग तो शुरू नहीं होंगी, तो डी बिल्कुल सही आंसर होगा, कोई भी नहीं, डी करैक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तो अलावा जेकर आप गल करिए श्री गुरु नानक देव जी दी होर कि रचनावां हन,
एक अपने को दखनी ओंकारा होगी, बारामा होगी, ठीक है, जप जी साहब होगी। तो यह सारिया रचनावां किन्हां दियां हन? श्री गुरु नानक देव दियां। नैक्सट आप देखते हैं वंड तो पहला पंजाब का मंडल नहीं सीगा इन्हां विचों अंबाला मुल्तान लाहौर जां कश्मीर। सो इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कश्मीर। कश्मीर नहीं सीगा। वैसे तुहानू पता होगा वंड तो पहला भी अपने पंजाब दियां कुल पंज डिवीजन सन। वर्तमान समय दे विच भी पंजाब दियां कुल पंज डिवीजन हन। सब तो वड्डी डिवीजन पूछ ली जाए आंसर की करके आना है जलंधर। सब तो छोटी डिवीजन पूछ ली जाए आंसर की करके आना है रोपड़। ठीक है, डी बिल्कुल इतने सही आंसर बन जाएगा। नैक्सट, हरियाणा सूबे की मांग किस द्वारा की गई सी? तुहानू पता होगा हरियाणा रिगार्डिंग भी एक का क्वेश्चन एग्जाम के पूछ लिया जाता है पंजाब जीके के आंसर की करके आना है सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह ने हरियाणा सूबे की मांग की सी। बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, 1966 तीन राज होंद आए सन, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा अपना पंजाब, तीसरा हरियाणा। बाकी जेकर पंजाबी सूबे की मांग पूछ ली जाए किसने की थी तो आंसर ठीक ठाक आना मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह नाल एक होर व्यक्ति सीगा अपने को फतेह सिंह। ठीक है, तो इन्होंने मांग की थी पंजाबी सूबे की। नैक्सट देखते हैं नवें पंजाब का पहला स्पीकर कौन सीगा? नवें पंजाब का, नवें पंजाब का यानी कि 1 नवंबर 1966 में अपना नवा पंजाब होंद आया सीगा, तो उस समय पंजाब का स्पीकर सीगा हरबंस सिंह। बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा हरबंस सिंह। बी इतने करैक्ट आंसर बन जाएगा। नवें पंजाब का पहला गवर्नर पूछ लिया जाए तो आंसर टिका रखना है धर्मवीरा। धर्मवीरा नवे पंजाब का पहला मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो आंसर टिका रखना है ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। जिहड़ी चीज़ का तुहानू पता नहीं होंदा तो प्लीज़ नोट तुसी जरूर कर लेना है। बाकी जेकर तुसी अपने को नोट्स लै लेंदे हो तो उहदे विच तुहानू सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दिती जाएगी। नैक्सट देखते हैं पंजाब के किहड़े शहर के विच बनारस गार्डन है? संगरूर, लुधियाणा, अमृतसर जां बठिंडा। तो बनारस गार्डन कित्थे है? यह पैंदा संगरूर दे विच। यह बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए संगरूर। इस तो अलावा बारह दरड़ी गार्डन हो गया, शीश महल हो गया, मोती महल हो गया, वह पटियाले दे विच पैंदे हन। कित्थे? पटियाले दे विच। नैक्सट आप देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, बाबा फरीद हैल्थ साइंस यूनिवर्सिटी कदों होंद विच आई सी? ये तुहानू पता होना चाहिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जी है कित्थे पैंदी है? फरीदकोट के पैंती है। तो यह आई सी 1998 के, बिल्कुल सही आंसर बनेगा 1998 बाबा फरीद हैल्थ साइंस यूनिवर्सिटी उहदे विच आई सी। तो यह बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नैक्सट यूनिवर्सिटिया उन्हां दी स्थापना। ठीक है, पंजाबी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 1962 के। ठीक है, पटियाले दे विच पैंदी है। केंद्रीय यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि बठिंडा में पैंती है 2009 में स्थापना की गई थी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1962 के आई थी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के पैंती है 1969 के आई थी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की स्थापना 1969 की गई थी, मुख्य दफ्तर मोहाली के एंड भाषा विभाग होंद आया 1956 के। सो इस पॉइंट में भी ध्यान जरूर रखना है, एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। नैक्सट, आदि ग्रंथ साहब की शुरुआत किहड़े राग तो होंगी है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम च रिपीट हो सकता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्री राग। आदि ग्रंथ साहब का पहला राग या शुरुआती राग पूछ लिया जाए आंसर टिक करके आना है श्री राग। आखिरी राग पूछ लिया जाए आंसर टिक करके आना है जैजाबंती राग। नैक्सट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, टैपसुराज के विधानसभा सीटा की गिनती किन्नी सी? टैपसुराज होने आया 1948 कदों? 1948 के कैप्टन सी पटियाला। इस तो अलावा ये विधानसभा सीटा की गिनती सी 60। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। टैपसु स्टेट दल रियासत की गिनती सी 8 यानी कि ये जिले सन 8। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है।
इस तो अलावा जेकर आप गल करिए कैपिटल सिटी पटियाला सो एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं तो इन्होंने तुम ध्यान रख सकते हो। इनू अपने पंजाब दे विच मर्ज किया गया 1 नवंबर 1956 दे विच, ठीक है 1 नवंबर 1956 दे विच पंजाब दे विच पैप्सू स्टेट नू मर्ज कर लिया गया सी। नैक्सट आम खास बाग किथे है, तो आम खास जिहड़ा बाग है ये पैंदा सरहंद दे विच, बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा सरहंद। बारह दर्री गार्डन जिहड़ा पटियाला दे विच है, शालीमार गार्डन कपूरथला दे विच है, कांजरी वैटलैंड कपूरथला दे विच है। नैक्सट देखते हैं पंचमंदर पंजाब के किहड़े शहर दे विच स्थित है, तो पंजाब की जिथे रेल कोच फैक्टरी है, पंजाब की जिथे साइंस सिटी है कपूरथला दे विच है पंचमंदर, तो डी इत्थे करैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी कपूरथला। नैक्सट चंडीगढ़ शहर का अधिकारिक पंछी कड़ा ऑफिशियल वर्ड कड़ा है, ये अपने को क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रे हॉर्नबिल। चंडीगढ़ शहर का अधिकारिक पंछी कड़ा है, तो आंसर टिक करके आना ग्रे हॉर्नबिल। ये जो क्वेश्चन है जिहड़े विद्यार्थी चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं क्लर्क वाले एग्जाम की, तो उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, एग्जाम से क्वेश्चन बन सकता है, तो बच्चे उत्ते कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसको ध्यान में जरूर रखना है। ग्रे हॉर्नबिल चंडीगढ़ शहर का अधिकारिक पंछी है। नैक्सट चंडीगढ़ शहर बारे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, भारत की पहली डिजाइनर सिटी कही है चंडीगढ़, स्थापना इस किसने की थी, ले कार्बूजर ने फ्रांस तो सन, खेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, पंजाब की राजधानी घोषित किया गया 1966 के चीफ कमिश्नर की पोस्ट कदों खत्म की गई सी 1984। चंडीगढ़ के पहले गवर्नर गवर्नर सन पैरव दत्त पांडे। चंडीगढ़ का चिन्ह जिहड़ा एम्बलम खुला हथ ओपन हैंड, अधिकारिक भाषा अंग्रेजी, अधिकारिक जानवर नियाउन सीगा, ठीक है, तो दरख्त है इतों का अंब अधिकारिक ऑफिशियल। नैक्सट नाथ ऋषि ने किहड़े शहर की स्थापना की थी, नाथ ऋषि ने आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जलंधर। जलंधर जो शहर है जिसनों त्रिकर्था के नाम जाना जाता है, तो इसकी स्थापना नाथ ऋषि ने की थी, बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब केसरी किसनों कहा जाता है, पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी कहा जाता लाला लाजपत राय, डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसनों शेरे पंजाबी कहा जाता है, शेरे पंजाब, ठीक है, पंजाब का शेर या शेरे पंजाब कहा जाता लाला लाजपत राय, इन्हों का जद्दी पिंड सीगा टुड्डी के जो कि डिस्ट्रिक्ट मोगा के आता है, एंड इन्हों की मौत हुई सी 1928 के लाठीचार्ज के इन्हों की मौत होंगी है, जो साइमन कमीशन पार करता है 1928, तो उसके विरोध के लाठीचार्ज के लाला लाजपत राय की मौत होंगी है। सो इस ही अज की अपनी वीडियो इतनी समाप्त होंगी है, सो उम्मीद करता कि यह वीडियो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल लगी होगी, सो प्लीज़ इस वीडियो में तुम वो तो शेयर जरूर करके जाना, एंड जो विद्यार्थियों ने चैनल में सबसक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब करके नाल ही बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर लवो, ता जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस अलावा होर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चैक करो, उसे तरह बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी।